नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते हैं, उन सब का नुकसान हुआ। जीएसटी ने, नोटबंदी ने उन सबको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हां हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया, तो रोजगार कैसे मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं और जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए दो तीन वायदे किए हैं, ऐतिहासिक वायदे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं, परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे।